नमस्कार दोस्तों, एम स्कूल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अभिमनु और आप देख रहे हैं एम स्कूल। अगर आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन है उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिए घंटी आया, वो घंटी दब अगर आप ऑल नोटिफिकेशन कर लेंगे तो मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो मेरा जो चैनल में मैं डालता हूँ कोकोनट ट्री लीफ से बना हुआ फ्लावर और डेट ट्री लीफ से बना हुआ फ्लावर, अब मैं थोड़ा और चेंज करूँगा। मैं कुछ पेपर आर्ट और कुछ रिबन आर्ट और भी तरह तरह के आर्ट होता है उस तरह से मैं मिक्स करके डालने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो का अंत तक देखना ज़रूर, और बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो मेरे कमेंट में आकर एक कमेंट कर देना, और बहुत अच्छा लगा तो आप फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, किसी भी के साथ मेरा वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो आप लोगों को इस तरह से तीन कलर का ले लेना, जो मेन फ्लावर होगा ये हम रेंज में बनाएंगे, और फ्लावर का पत्ता होगा ये कलर यूज करेंगे, और डंडा जो होगा इस तरह एक यूज करके आप किस तरह से भी ले सकते हैं। आपका जो फेंका हुआ है वो ले लीजिए, हाफ कर लिया इसको और ले लिया, अब इस तरह से नहीं, अब और तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस दोनों को साइड में रख देते हैं, कम लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा, मेन काम होगा इसमें। तो इसको ले लेते हैं, इन दोनों को साइड में रख देते हैं। अब इसको क्या करना है, देखिए आप जो लेंगे A4 साइज का लेंगे उसको आप 3 साइज में कर सकते हैं, जस्ट 3 चाहिए, 3 बॉक्स चाहिए, ठीक है। और आप बोलेंगे, आप माप देने के लिए बोलेंगे, इसका कोई माप नहीं है मेरे, मैं तो कोई माप लेकर नहीं बनाता, ठीक है, इतना माप जब करना मतलब नहीं बनता, पर आप माप ले सकते हैं, करीब आप ले सकते हैं 4-4 ले सकते हैं, और नहीं तो 6-6 ले सकते हैं, छोटा लीजिए, छोटा ही लगेगा। तो मैं कागज का हाफ कर लेता, और मेरा कोई माप नहीं है, आप देख सकते हैं, और इन दोनों को सही से पकड़ना है, ये थोड़ा जरूरी है, और देखिए ये करीब 7-6 इस तरह से होगा, आप ले सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। और इसको भी चीज कर लेता हूँ, बहुत तरह के वीडियो देखता है, इसका माप देते हैं 6-7, 6-3, इसमें कोई माप नहीं होता, आप जितना भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्रिएटिविटी है, आप कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो हमने ले लिया, देख सकते हो, और 3 लगेंगे, ठीक है, 4 नहीं लगेंगे, 1-2-3 ये नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हूँ, और ये 3 होगा। आप अपना बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप और एक ले सकते हैं, नहीं तो ये 3 में ही कास्ट चल जाएगा। अब क्या करना है, अब किसी का भी कोना धर पकड़िए, और उस कोने को लेकर उस कोने तक ऐसे ऐसे लेकर आइए, अब ये देखना है ये कोना सही होना है, और ये जो दिख रहा है इधर सही से लगना है, तो देख सकते हैं ये कोना और ये, और इसमें हाथों की मदद से दबा दीजिए, देख सकते हैं ज्यादा हिस्सा, अब इधर से भी ज्यादा हिस्सा कट कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी कट कर सकते हैं, मैं नहीं कट करूंगा क्योंकि मैं मुझे और बनाना है, तो मैं डायरेक्टली इसको यूज कर दूंगा। अब इस तरह से बजने के बाद देखिए ये जो कोना दिख रहा है इधर से इधर ये दोनों मिला दिया, अब इसका देखिए आप ज्यादा हिस्सा परेशान कर रहे हैं तो आप कैंची की मदद से इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो आप कट नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब 7-7 हो गया, अब 6 थे तो 6-6 होगा, ठीक है, इस तरह से बना लीजिए। अब इस तरह से देख रहे हैं, अब इधर जो त्रिभुज हुआ है तो इसको फिर से यहाँ ही पकड़ लेना है, और इस कोने को इस कोने से मिलाना है, देख सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद देखिए इधर सब खुला है और इधर सब बंधा हुआ है, देख सकते हैं, एक देख सकते, अब फिर से इसको मोड़ना है, थोड़ा सा इधर मोड़ूंगा तो थोड़ा कोने में दाग कर लेना जरूरी है क्योंकि वो अच्छे से मोड़ता है, तो ये मैंने कर लिया। अब सबको पकड़ कर एक साथ इस तरह से, देख सकते हैं, अब कैंची लीजिए और इसको कट कर दीजिए ज़्यादा हिस्सों को, ठीक है। अब इस तरह से एक बीच में स्पॉट बन गया और दोनों तरफ समान है, अब ये जो है इसका बीच में से कोने की तरफ कट कीजिए, उलट दीजिए, और ये जो बीच में दिख रहा है उस तरफ एक कट करना है इस तरह से, देख पा रहे हैं, अब इधर से दिख रही है, अब इधर से भी ये जो दिख रहा है इधर से भी एक बीच में से इस तरह से कट कर लेना है, देख पा रहे हैं, अब इसको उलट दीजिए और इधर से भी इस तरह से,
देख पा रहे आप, सही कर लीजिए दोनों को एक साथ, तो ये थोड़ा और छोटा, ठीक है, देख सकते हैं करीब इस तरह से, देख पा रहे हैं आप। अब इसको खोल लिए और एक खोलिए और एक खोल देंगे तो पूरा खुल जाएगा। अब इस तरह आप एक दो इधर एक कट करेंगे, ठीक है दो, और इसको खोलेंगे तो यह बन जाएगा चार, ठीक है। अब इसको खोलिए, अब जो एक कट किया इसका जो बीच में है छह ले लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, ये बीच में से, बीच में से कट कर दिया। अब इसको क्या करना है, इधर एक कट लगाएंगे इससे कोने की तरफ से, बस आप छुरी की मदद से इसको लेंगे और थोड़ा इसे करेंगे। अब ग्लू का बारी है, ग्लू, अब ग्लू लेना है और इसको लगा दिया और इसको चिपकाना है, और ये इस तरह से बन गया, ठीक है। अब इसको साइड में रखिए, इसको ले जाए छह जो कटा था, तो इसको भी इधर से एक कट करते हैं, आप किधर से भी एक कट कर सकते हैं, और इधर लगाते हैं ग्लू। ग्लू लगाने से पहले वो जो मैंने छुरी की मदद से किया था वो कर लेना है, ठीक है। तो ऐसा ग्लू लगा दिया, अब ये पहले कर लीजिए, ठीक है, ग्लू लगाने से पहले ये काम कर लीजिए, ये हो गया। अब इसको यहाँ लगा देना अच्छे से, और ये इस तरह से देखने के लगे, देख पा रहे, ये हो गया। अब इसका भी कोई मेथड यूज करेंगे और इस तरह से इसका भी इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया। ये थोड़ा पीछे की तरफ, ठीक है, बस यही चलेगा, और ये यहाँ लगा दिया और अच्छे से, और ऐसे ऐसे बन गया, ठीक है। तीन, एक कागज से तीन बनेगा, एक कागज से तीन बनेगा। अब इसको और इसको दोनों को बनाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं बन गया, ये सारा बन गया। तो इस तरह से बना लीजिए पहले, अब इसको साइड करते हैं। अब क्या करना है आपको, एक किस तरह से एक कागज ले लेना है, और अब कुछ भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और इसको इसको फूल करने के लिए थोड़ा सा इसे कुछ पेन जैसा इसको ले लीजिए, और इसको ऐसे किधर से स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से बना लीजिए, और इधर चिपका देने के बाद आपको दिखाता हूँ, और ये बन गया। अब इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, हम इसको रहने देते हैं, तो ठीक है। अब इस तरह से बन जाने के बाद क्या करना है आपको, इसको लेना है, और लेने के बाद इसको आप किधर से भी स्टिक कर सकते हैं, इतना बनाना है, ठीक है, तो इतना तक, और इसको ज़्यादा हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही लेंगे, तो इतना होगा तो चले जाएगा, चल जाएगा, इसका भी कोई माप नहीं है, आप थोड़ा ले लीजिए आपका मर्जी है ये भी। और इस तरह से लेने के बाद इसको फिर से फोल्ड करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा देखकर, दो को मिलना जरूरी है, ठीक है, करीब इस तरह से। अब इसको फिर से इधर से फोल्ड करिए, और ये हो गया। अब किधर से भी कैंची चला जाता है, एक खुला साइड है और लगा हुआ साइड है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इसको काटना स्टार्ट करते हैं यहाँ कर, और यहाँ इस तरह से देख सकते हैं, और इसको और भी दिखा बना सकते हैं इस तरह से करीब, और देख सकते हैं इस तरह से दोनों को यहाँ से कट कर देता हूँ, ये खुला हुआ था इस तरह से लग गया, ठीक है। अब इस तरह से तीन बनाना है, ये दो हो गया
और ये हम बना के रखे हैं ये तीन, ठीक है। एक को क्या करना है आप लोगों को, एक को इसका ज्यादा नहीं, यहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ इस तरह से करीब इस तरह से कुछ कर देना है, ठीक है। करीब इस तरह से एक को, एक एक को करना है और इसको साइड में रखते हैं और मेन चीज पे आते हैं। तो ये उठा लेना है और सबसे छोटा वाला तीन, जिसका तीन है थ्री लीफ है, तो उसको यहाँ ग्लू लगाएंगे और इस तरह से, और इसको ऊपर चिप कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब छोटा, सबसे ऊपर छोटा हम रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को पहले चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद यहाँ फिट करेंगे। तो इनको चिपकाने के लिए ग्लू लेंगे, ठीक है, और यहाँ भी ग्लू इस तरह से लगाएंगे और ये थोड़ा सा सूख जाएंगे तो यहाँ इसको लगाएंगे। तो यहाँ और इसको आप हम यहाँ इस तरह से इस तरफ लगाते हैं, तो इधर देख सकते हैं इस तरह से लगेगा, तो इस तरह से, ठीक है। अब इसको नीचे रखिए और ये दोनों को भी वही मेथड का यूज करेंगे, पहले इधर इधर चिपकाएंगे और यहाँ चिपकाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 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 तक चिपकाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने सेट कर लिया, ये देख सकते हैं सबको लगा लिया, इस तरह से पीछे से दिखता है, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं क्योंकि फेविकॉल जो है वो सूखने में टाइम लेता है, और सूखने के बाद अच्छा थोड़ा सा सूखा ले लेंगे बाद में, पहले आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर एक कुछ फेविकॉल लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, इधर चिपकाएंगे सामने की तरफ थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह, और ले लेंगे और ये चिपकाएंगे, और इसको भी अपनी तरफ करीब इस तरह से चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा घुमा कर इस तरह पीछे की तरफ, जैसे कि मैं चिपकाया आपको, और इस इधर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से चिपक देंगे, और सामने एक लगाएंगे हम, और ये इस तरह से हम चिपका देंगे। अब अच्छे से, और ये इस तरह से देखने को लगेगा। मैंने एक और बना के रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने बना के रखे हैं, तो आप देख सकते हैं येलो वाला, और इधर एक सामने की तरफ नहीं चिपका है, सिर्फ दोनों की दोनों तरफ चिपकाए हैं, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल देखते रहिए एम स्कूल। ओके, बाय बाय।